केंद्रीय हमारे नेतृत्व का पहले ही कहा कि माननीय मोदी जी, अमित भाई नड्डा जी, हमारे सब केंद्रीय नेतृत्व का मैंने आभार व्यक्त किया है, उन्होंने मुझे जवाबदारी दी है। तो निश्चित रूप से कामठी विधानसभा की जनता और कामठी विधानसभा के हमारे जो कार्यकर्ता है वो इस सीट चुन कर लाएंगे और निश्चित अच्छा विजय मिलेगा। 99 नाम पहली लिस्ट में है। देखिए, मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित भाई, हमारे देवेंद्र जी, सबने मिलकर जो एक 99 लोगों का लिस्ट दिया है, ये मेरिट पे दिया है। हमारे वहां पर जो सारे कंसेंसस थे, सारे जनता का मत क्या है, कार्यकर्ताओं का मत क्या है, वहां पर उम्मीदवारी के बारे में जो 5 साल उन्होंने काम किया है, ये सारा कैलकुलेशन करके सीट मिली है। सारे उम्मीदवार अच्छे से जीतेंगे, अच्छे लिस्ट हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दी है। मैं पार्टी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी बार वापस एक काबिल समझा और उन्होंने मुझे पार्टी का टिकट दे दिया है। इसलिए मैं सभी नेताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ और उन्होंने मुझे जो विश्वास दिखाया है वो विश्वास मैं साथ करूंगी और ये बार भी पर्वती विधानसभा हम लोग बहुमत से जीतेंगे और महायुति में एक पर्वती होगी। पुणे बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, इस समय सभी की नजर है, प्रधानमंत्री तक इस शहर में आते हैं, कैंपेनिंग करते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप मतदाताओं के सामने जाएंगे और अपनी बातें रखेंगे? मैं जो 5 साल में काम करती हूँ वो विकास के मुद्दे पे ही लोगों के पास जाती हूँ। उनको जो भी है, जो भी काम किया है उनको नजर आता है 5 साल में, और मेरे मतदाता जो भी है वो मुझे बहुमत से हमेशा चुन के देते। ये बार भी मैं विकास के मुद्दे पर भी जाऊंगी और वो मुझे चुन के देंगे। जाहिर तौर पर हर बार इलेक्शन आता है तो आप चौथी बार आप कैंडिडेट हैं, हर इलेक्शन अलग ही होता है इस बार, लेकिन महाराष्ट्र में जो पिछले समीकरण बदले हैं पार्टियों के, तो ये काफी चैलेंजिंग, आप मानते हैं कि चैलेंजिंग होगा ये इलेक्शन, या उसको लेकर कुछ अलग आपने तैयारियां की है, कैसे आप आगे जाएंगे? नहीं, ये बार ऐसा नहीं है, हर बार इलेक्शन चैलेंजिंग ही होती है और हम लोग अभी नहीं बता सकते कि क्या चैलेंज आए, आगे चैलेंज आएंगे हम लोग फेस करेंगे, लेकिन इलेक्शन तो जीतेंगे और बहुमत से जीतेंगे। अपोजिशन का चैलेंज होगा? अपोजिशन के बारे में मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ क्योंकि मुझे मेरे ऊपर बहुत भरोसा है।